और अभी कुछ सूबाई बजट की बात करते हैं। पंजाब के नए माली साल के बजट को हतमी शक्ल दे दी गई है, कल पेश किया जाएगा। बजट में 350 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए जबकि 2200 अरब गैर तरक्याती मंसूबों के लिए रखे गए हैं। पंजाब ने सूबे के माली साल 2019-2020 के बजट को हतमी शक्ल दे दी है। सूबाई बजट कल पंजाब असेंबली में पेश करने से कबल काबीना से इसकी मंजूरी ली जाएगी। महकमे खजाना पंजाब नए माली साल के बजट को टैक्स फ्री और 200 अरब का सरप्लस बजट करार दे रहा है, जिसमें 350 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए जबकि गैर तरक्याती बजट का हजम 2200 अरब रुपए रखा गया है। महकमे खजाना पंजाब के जराए ने बताया कि नए माली साल का बजट टैक्स फ्री होगा, जिसमें नए टैक्स लगाने के बजाय पहले से मौजूद टैक्सों की शरह में इजाफा किया गया है। सूबाई सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाकी मुलाजमीन की तरह ग्रेड 16 तक 10%, जबकि ग्रेड 17 से 20 तक के अफसरान की तनख्वाहों में 5% इजाफा तजवीज किया गया है। सूबाई महकमों पर गैर तरक्याती अखराजात के लिए सूबाई कफायत शुआरी कमेटी से मंजूरी लेने की शराइत आयद की गई है। बजट में सूबाई महकमों के सरबराहान पर जोर दिया गया है कि वो अपने गैर तरक्याती रनिंग अखराजात को कम से कम करें।